हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर सईद मोहम्मद जॉन, जो कि मेरे ही नाम से है, जिसका मकसद ये है कि जो बच्चे रिसेंटली डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग करके निकले हैं, उनके इस स्किल को डेवलप करना और साथ में जो लोग छोटे लेवल पे ठेकेदारी कर रहे हैं उनके काम को और बेहतर बनाना, और उनके लिए भी चैनल बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं और बनवा रहे हैं, ताकि वो जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने मैसन के काम को जज कर सकें। ठीक है, आज का पहला मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उनके लिए जो डिप्लोमा डिग्री करके निकले हैं और जो ठेकेदारी कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको पहला आपको अगर जो है घर बनाना है तो उसमें जो है कौन कौन काम करेंगे, कौन कौन की ज़रूरत, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और वो लोग क्या क्या करेंगे, आज उस पर बात करते हैं। ठीक है, नंबर वन, घर बनाने के लिए सबसे पहले लैंड सर्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड सर्वेयर वो है जो प्लॉट का डायमेंशन सबसे पहले लेगा, डायमेंशंस और उसके लेवल, प्लॉट के लेवल और डायमेंशंस को जो है पेपर पे चिन्हित करेगा और चिन्हित करके उसकी ड्राइंग प्रिपेयर करेगा। ठीक है, नंबर टू, आर्किटेक्ट क्या करेगा, जो लैंड सर्वेयर ने लैंड रिपोर्ट तैयार की है, जो उसने ड्राइंग तैयार की है, वो आर्किटेक्ट पास जाएगी, आर्किटेक्ट इस पे जो है ड्राइंग तैयार करेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम क्या है कि जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग बनाई है उसकी जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार करना, इसमें क्या क्या होंगे, कॉलम होंगे, बीम होंगे, फाउंडेशन होंगी और स्लैब होगा और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर जो है वो क्या देगा कि सबकी ड्राइंग देगा, स्टील की डिटेल्स देगा, सारी स्पेसिफिकेशन देगा, कौन सी कंक्रीट इस्तेमाल करना है, क्या कवर देना है, एट्सेट्रा। ठीक है, नंबर फोर क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन में कौन कौन लोग होंगे, साइड इंजीनियर होगा, फोरमैन होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, मैसन होंगे, कारपेंटर होंगे, लेबर होंगे और बहुत से लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन हो गया। फिफ्थ नंबर क्या होगा, क्वांटिटी सर्वेयर ऑब्लिक बिलिंग इंजीनियर। क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, ये तीनों जो है काम एक ही इंसान करता है, एक ही इंजीनियर करता है, उसके अलग अलग जहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं, बिलिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर और प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। इसका क्या काम है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है उसकी क्वांटिटी निकालना, जैसे एक्सकेवेशन, कितना एक्सकेवेशन करना है उसकी क्वांटिटी, पीसीसी क्वांटिटी, कंक्रीट की क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी, ये सब निकालना, इसका मेज़र करना, इसका ये काम है। नंबर सिक्स नंबर आपका ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो गया, जो ये जो बिल्डिंग तैयार हो रही है इसको जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा तैयार करना, तो इसमें क्या होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल वाला है, सारी टेस्टिंग करता है, अगर कंक्रीट तैयार हुई तो उसकी पानी, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड की टेस्टिंग करेगा, और एक्सकेवेशन होने से पहले क्या होगा, लैंड का जो है सॉइल टेस्ट करेगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन के ज़रिए, और कॉम्पैक्शन टेस्ट करेगा, और ऐसे बहुत जो भी टेस्टिंग होती हैं वो सारे ये टेस्टिंग करेगा।
नंबर 7 प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा, ये जो आपकी जो लैंड सर्वे हुआ, आर्किटेक्ट ड्राइंग हुई, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनी, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस सब को जो है, जो टाइम बाउंड हम लोग को मिला है काम करने का, इन ये पूरे इस सारे काम को जो है उस फाउंडेशन के अंदर पूरे मकान बनाने को जो टाइम है उसको उसी टाइम के अंदर जो है करने की जो भी है उसकी प्लानिंग करेगा। इसमें क्या क्या होगा, कौन इसमें क्या करेगा, आर्किटेक्ट से ड्राइंग मिलेगी उसको, स्ट्रक्चर ड्राइंग मिलेगी, और क्वांटिटी सर्वे से उसको क्वांटिटी मिलेगी। इन सब की इन सब को ले करके वो निकालेगा कि कितने लेबर की ज़रूरत है, कितने इंजीनियर की ज़रूरत है, और कब कब कौन से मटेरियल की ज़रूरत है, जिस हिसाब से जहाँ पे ज़रूरत है उस टाइम उस हिसाब से उसको जो है वहाँ पे लाकर लगाएगा, ताकि जो है और साथ में ये भी चेक करता रहेगा कि हम जो है टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो टाइम उसको मिला है काम करने का उसके अंदर ही वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। तो इसके लिए जो है प्लानिंग इंजीनियर प्लानिंग करता है कि उसको काम कैसे किया जाए टाइम। तो ये अब की इस लेक्चर में ये हम लोगों ने इन 7 पॉइंट पे बात करी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे लैंड सर्वेयर का लेक्चर, जिसमें हम लोग लैंड सर्वेयर के बारे में बात करेंगे, इसमें कितना से सर्वेयर सर्वे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जो है हमारे जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।